मैं 2017 में अमेरिका गया था और एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए गया था। वहां से जब वापस आया तो जो मेरे देश को मेरे देखने का दृष्टिकोण था और मैं मेरे देश को मेरे हिंदुस्तान को तीन तीन स्तंभों पर खड़ा देखता हूं, तीन खंभों पर खड़ा देखता हूं। पहला खंभा मेरे देश का है लिबरल व्यूज। जब मैं लिबरल बात बोलता हूं तो आरफा ने मुझसे पूछा कि लिबरल का अर्थ क्या। मैंने कहा आरफा, लिबरल का मतलब हर मजहब हर धर्म का इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल रेस्पेक्ट। तो बोले अच्छा, तो आपको लिबरल से पीड़ा क्यों, आपको दिल में दुख क्यों हुआ। मैंने कहा आरफा, जब मैं 2017 में अमेरिका से आया तो मैंने देखा कि भारत के कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़ी संस्थाओं में पड़े हुए मंत्री, जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं उनको माल्यार्पण कर रहे थे। मैं दिल से बोलता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भाई, जिस दिन कोई अनपढ़ आदमी किसी का माल्यार्पण कर दे वो भी बेवकूफी है, पर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बीजेपी का मंत्री लिंचिंग करने वाले लोगों को अगर माला पहनाता है और आप मैं उस दिन अपनी नौकरी में बैठा रहता तो मैं अपने परिवार के प्रति तो कर्तव्य पूरा कर रहा होता पर अपने देश के प्रति नहीं कर रहा होता। बोला आपका भारत को देखने का दृष्टिकोण दूसरा क्या है। मैंने कहा आरफा, मैंने जीवन में भारत को एक इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड सोसाइटी के रूप में देखा। जब मैं इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड सोसाइटी बोलता हूं मींस हर चीज का तर्क, हर चीज का कारण। मैं भारत को वैसे नहीं देखता जैसे हमारी सरकारें देखती है। हमारे सरकारों के गणमान्य व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके बोलते कि मोरनी अपने बच्चों का जन्म मोर के आंसू पी के दे देती। ये तर्कशील बात है क्या, आंसू पी के बच्चों का जन्म हो रहा है। मैं इसका खिला फिर पूछा आपका तीसरा स्तंभ क्या है भारत को देखने का। मैंने कहा आरफा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, मुझे गर्व है, पर आरफा टीवी डिबेट में जाने से पहले कई लोग तिलक लगा के जाते हैं और टीवी डिबेट से बाहर आते ही उस तिलक को ऐसे मिटाते हैं। मैं उन लोगों को फ्री नहीं मानता, उनको धोखेबाज और ढोंगी मानता हूं। साथियों, कई लोग और आपको आश्चर्य होगा, कई लोग टीवी डिबेट में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का अखिल भारतीय प्रवक्ता भी हूं, कई लोग टीवी डिबेट में मेरे शर्ट के कलर पे टिप्पणी करते हैं, मेरी जैकेट पे टिप्पणी करते हैं, मेरी पैंट पे टिप्पणी करते हैं। अगर मैं तो तिलक लगा के जाता नहीं और फिर पहुंचता नहीं, मैं तिलक लगाता हूं जब मंदिर में जाता हूं तो गर्व से तिलक लगाता हूं, पर टीवी डिबेट के लिए किसी को तिलक लगा के नहीं जाता और ना मेरा धर्म ये मुझे सिखाता है। मैं आपको एक चीज विश्वास दिलाता हूं कि मेरा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में एक ही बात है, सर्वधर्म संभाव, मतलब सारे धर्मों का बराबर रेस्पेक्ट, बराबर उनका बराबर रेस्पेक्ट उन्हीं धर्मों का। मैम आप उधर बैठ जाइए, दो मिनट। सभी धर्मों का बराबर रेस्पेक्ट। मैं ये नहीं कहता कि उनको मारो उनको बचाओ, ये आपके ना मेरा भारत है ना आपका भारत हो सकता है। ये मेरे भारत को देखने के तीन स्तंभ। मैं भारत को लिबरल सोसाइटी देखता हूँ, मैं भारत को इंक्लूसिव सोसाइटी देखता हूँ, मैं भारत को इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड सोसाइटी देखता हूँ, मैं भारत को फ्री सोसाइटी देखता हूँ। साथियों, मैं सुबह और शाम एक एक घंटा भगवान की पूजा करता हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। पर मैं कोई मान लो मेरे धर्म में पूजा नहीं कर रहा है उसको ये नहीं कहता हूँ कि इसको पाकिस्तान भेज दो, ये मेरी वासी नहीं है। मेरी भाषा वो नहीं है कि जो आदमी अपने मेरी चाहने के हिसाब से बात ना करे तो उसको दूसरे देश में भेज दो, ये मेरी बात नहीं है भाई।
मेरे भारत को देखने का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे आज तक हम रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, एक दूसरे का सम्मान करके हमने भारत को कहां पहुंचाया है। दूसरे देश मिसाल देते हैं हमारी, हमारी प्रगति की मिसाल दी जाती है, हमारे एक साथ रहने की मिसाल दी जाती है। पर पिछले 5-6 साल में मैं आपको बताता हूं, दुख होता है मुझे, पिछले 5-6 साल में क्या वातावरण बन गया है देश का। वातावरण ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की चाहने वाली बातें नहीं करता है तो वो पहला व्यक्ति उसको इतना मारता है कि वो सड़क पे मर जाता है। ये मेरा भारत नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जिस तरह से आप लोग मेरे 2-3 घंटे लेट आने के बावजूद मेरे लिए यहाँ रुके, इस बात से जाहिर होता है कि आपका भी भारत ना तो ये था, ना है और ना रहेगा। मैं हर जगह जा रहा हूं, मैं कोई धर्म की बात नहीं करता, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 370 हटाने की जो उपलब्धि है उसकी भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 370 इसलिए हटाई क्योंकि वहां की लड़कियां हम यहां ले आए। मेरा मन में ऐसी कोई भावना नहीं, मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है और उस भावना का नाम है विकास। और मैं 4 बातें आपको, मैं प्रतिज्ञा आपके धर्म स्थल, आपकी प्रार्थना के स्थल के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, और मैं इस स्थल का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितने अपने आप के प्रार्थना स्थल का सम्मान करता हूँ। और इस स्थल के सामने खड़ा होकर बोल के जा रहा हूँ कि विधायक बनना, विधायक बनने के बाद ये 4 बातें पूरी करूंगा। मेरा पहला बात, और आप इस चीज को जितना जल्दी हो सके समझ लेना साथियों, कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का, कोई भी व्यक्ति का अगर बड़ा बदलाव लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। आप इसको जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर। मैं पिछले 20 साल से XLRI में प्रोफेसर हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं, उसका एकमात्र कारण मेरी शिक्षा है और कुछ नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं इस धर्म स्थल के सामने, इस प्रार्थना स्थल के सामने खड़ा होकर वादा करता हूं कि विधायक बनने के दौरान 5 साल के कार्यकाल में इस जगह पर गोलमुरी में एक ऐसा सरकारी मॉडल स्कूल खुलवाऊंगा जहां आपके बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये मेरा आपसे वादा। ये जो बच्चा है इसकी शिक्षा भी उसी स्कूल में होगी जिसकी बात हम कर रहे हैं। मेरी दूसरी बात साथियों, मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे जमशेदपुर शहर में एक भी ऐसा कॉलेज है जहां पर डिग्री कॉलेज है जहां पर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में फक्र महसूस होता है? एक भी ऐसा BA BCOM BSc का कॉलेज है जहां पर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में फक्र महसूस होता हो, जहां पर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में आपको लगता हो अच्छी शिक्षा हो रही है, ऐसा लगता है क्या? मैं आपसे वादा करता हूं कि जमशेदपुर पूर्व में ही एक वर्ल्ड क्लास डिग्री कॉलेज खोल के आपको दिखाऊंगा और वहां पे हमारे बच्चे जो 12वीं करने के बाद ट्रेनों में भर भर के पूना, नागपुर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, रांची जाते हैं वो सब बंद हो जाएगा, हमारे ही शहर में एक विश्व स्तरीय डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। मेरी दूसरी बात सर, और मेरी दूसरी बात शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की, क्योंकि एक समाज, एक धर्म, एक मानवता जब भी पनपती है जब वहां रहने वाले
लोग लोग स्वस्थ हो। मैं आपसे पूछता हूं यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप टिस्को के कर्मचारी नहीं है तो अगर आप बीमार हो जाए तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो कि सरकारी MGM अस्पताल में? प्राइवेट में जाते हैं। पर मुख्यमंत्री को यह बात पता नहीं पड़ी 25 साल, उनको लगता है कि जो MGM अस्पताल आज है जमशेदपुर में, जहां व्यक्ति एक बीमारी लेके जाता है तो 3 बीमारियां लेके वापस आता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने 5 साल के विधायक के कार्यकाल में MGM अस्पताल जो स्वयं वेंटिलेटर पर है, जो स्वयं कोमा में है, उसका इलाज किया जाएगा और वहां पर आपके घर में कोई बीमार होगा तो उसका निःशुल्क इलाज कराने का वादा आपका बेटा आपका भाई आपसे करके जा रहा है। साथियों, मेरी तीसरी बात, पिछले 25 साल से एक व्यक्ति आपको ठग रहा है। कभी बोलता है एग्री को खुलवाऊंगा, कभी बोलता है केबल कंपनी खुलवाऊंगा, कभी बोलता है टायो खुलवाऊंगा। अरे वो तो छोड़ो, 4 महीने पहले टाटा हिताची जमशेदपुर छोड़ के खड़गपुर चली गई। मुख्यमंत्री जी चुप, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में कोई सवाल नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया कि मैं किस तरह ये जो हिताची यहाँ से गई है इसको रोकूं। आपको लगता है कंपनी जाने से क्या होता है? कंपनी जाने से आपके बच्चों का रोजगार जमशेदपुर से खड़गपुर चले जाता है, ये होता है। कंपनी जाने से, कंपनी बंद होने से आपका भाई का रोजगार जो उस कंपनी में है वो हट जाता है, वो बेरोजगार हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने विधायक के 5 साल के कार्यकाल में ये तीनों बड़ी कंपनियां जो बंद पड़ी है इनको वापस चलवाऊंगा, और न केवल ये 3 कंपनियां चलवाऊंगा, नया पैसा लाकर, नया निवेश लाकर अपने इस जमशेदपुर में नए कारखाने बनवाऊंगा जहां आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। साथियों, मेरा तो काम ही कंपनियों के लिए नया निवेश लाना है, मैं तो फाइनेंस का प्रोफेसर हूं। अगर मेरा काम कंपनियों के लिए निवेश लाना है तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद और जिस तरह से आप मेरा वेट कर रहे हो इतनी देर से, जिस तरह से मेरी बातों को सुन रहे हो, जिस तरह से आप मेरे से आंख मिला के देख रहे हो, मेरे को पता है मेरी जीत सुनिश्चित है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नया निवेश लाके अपने इस जमशेदपुर में नई कंपनियां खुलवाऊंगा और वहां पर मेरे बच्चों को रोजगार के लिए नहीं खुलवाऊंगा, मेरी पत्नी के रोजगार के लिए नहीं, मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार के लिए नई कंपनियां खोलूंगा। साथियों, मैं आप सब लोगों के सामने गोलमुरी मस्जिद के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ, आप ये मेरी बात नोट कर लेना, और शपथ लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि ना मैं, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे कभी भी टाटा कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, आपके पति करेंगे, आपकी पत्नी करेंगे। मुझे अपनी नौकरी के लिए टाटा कंपनी का दबाव नहीं झेलना, मुझे टाटा कंपनी को ऊपर दबाव डाल के आप लोगों की पक्की नौकरी वहां करवानी है। साथियों, मेरी चौथी बात, हो सकता है वो बात यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, पर वो जमशेदपुर पूर्व की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, पूर्व की जनता एक शब्द से इतना परेशान है कि जब भी वो शब्द उनके कानों में सुनाई देता है उनको लगता है कि ईश्वर इस शब्द को दुनिया से निकाल, और वो शब्द है मालिकाना। कोई किसी को बोलता है मालिकाना तो उसको लगता है ये धोखा दे रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पिछले 25 साल से एक व्यक्ति रघुवर दास जिसका नाम है वो यही कर रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरी डेट और मेरी ये वादा को दिमाग को चैन में रखिएगा, विधायक बनने के 10 दिन के अंदर मालिकाना की कार्रवाई चालू होगी, और मेरे विधायक के 5 साल के कार्यकाल में मेरे ये जो बड़े नेता, मेरे जो ये कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता गली गली मोहल्ला मोहल्ला मेरे फोटो के पैम्पलेट बांटने नहीं जाएंगे, बल्कि आपके घर मालिकाना के कागज देने आएंगे।
साथियों ध्यान रहे, टीवी देखते होंगे आप, टीवी देखते हैं सब लोग, टीवी डिबेट देखते हो, मुझे देखा कभी डिबेट देखा नहीं। 5 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन वाला भी आज मुझे बताया यही घूम रहा है, मुझे बताया अभी किसी ने, पता नहीं क्या नाम है यार, आप लोगों को याद हो रहा वो यही घूम रहा जमशेदपुर में। मुख्यमंत्री ने बुलाया उसको फोन करके, अरे भैया आओ आओ आओ, यहाँ तो सब बिगड़ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो भागा भागा आया, यही घूम रहा। अगर आपने मुझे टीवी में देखा है तो टीवी डिबेट में 4 खिड़कियां बन जाती है, डिबेट में खिड़कियां देखी आपने, एक खिड़की में कौन बैठता है, एंकर, एंकर कौन होता है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक खिड़की में मुझे बैठा देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, एक खिड़की में बैठ जाता है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, और ये चौथी खिड़की होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, इसके अंदर कौन बैठता है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ छुपा हुआ प्रवक्ता, कभी उसको बोलते हैं आरएसएस प्रचारक, कभी आरएसएस विचारक, कभी स्वतंत्र पत्रकार, कभी किसी मामलों का जानकार, पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठा उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करता है। देखा कि नहीं आपने, देखा कि नहीं, मैं दो दो प्रवक्ताओं को धूल चटाता हूँ ना, वो भी देखा कि नहीं, एक तो इस ऑफिशियल को भी निपटाता हूँ, इधर इस छुपे हुए को भी निपटाता हुआ जाता हूँ, और कई बार तो एंकर भी मेरे जाल में फंस जाते हैं। वैसे के वैसे साथियों, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक तो ऑफिशियल कैंडिडेट उतार दिया जिसका नाम है रघुवर दास, और एक उनकी गोद में छुप के बैठा हुआ कैंडिडेट उतार दिया जिसका नाम है सरयू राय। उनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति तो दो क्या एक एंकर को भी निपटाता है रोज शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, तो ये दो जनों को निपटाना इसके लिए कौन सा मैं बड़ी बात। और माशाल्लाह शरीफ भी ऐसा है कि दोनों को कुश्ती में भी निपटा के निकल सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक छुपा हुआ है उनकी गोद में बैठ के छुप के बैठा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर आता है, ना पार्टी उसको लात मारती है, वो अपने आप खड़ा है, अपनी जगह पर खड़ा है, आगे पीछे नहीं होता है, ध्यान रहे इस बात। और मैंने आपसे 4 बातें की, अच्छे शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, बंद पड़ी कंपनियों को खुलवाने की, 700 कंपनियां जो पिछले 4 महीने में बंद हुई आदित्यपुर में, 30,000 लोगों ने अपना रोजगार खोया उनको खुलवाने की, और चौथी बात मालिकाना के नाम का राजनीति को हमेशा के लिए बंद करवाने की। आपको अगर मेरी इन 4 बातों पर एतबार तो मेरे को मस्जिद के सामने मैंने 4 वादे किए, अगर मैं गलत बोलूंगा झूठ बोलूंगा तो ईश्वर का पाप मुझे चढ़ेगा, तो आपको मुझसे भी एक वादा करना पड़ेगा। क्या आप मुझे एक वादा करने को तैयार हो? क्या आप तैयार हो? तो मेरे को एक, आपने जिस तरह से हाथ उठाए, तो अब आदमी हूँ, आदमी जन्म से ही क्या होता है, जन्म से ही वो बोलता है ये दिल मांगे मोर, तो अब मैं एक नहीं 2 वादे बोलूंगा। तो मेरा पहला वादा ये है साथियों कि आज से लेके 7 दिसंबर के शाम के 6 बजे तक आपको हर गली हर मोहल्ले हर घर जाके मेरे विकास की बातों को पहुंचाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? और मेरे को दूसरा वादा चाहिए, दूसरा वादा, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरा हौसला अफजाई की तो ये दिल बहुत और भी चीजें मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है। और दूसरा वादा ये है मेरे को कि आपके घरों की माताएं और बहनें कम आती है पोलिंग स्टेशन पे, क्या आप इस बार उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने को तैयार हो? क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो ना, तो मैं यहाँ मस्जिद के
आपके सामने खड़ा होकर बोलता हूं कि 23 दिसंबर के नतीजे का मुझे इंतजार नहीं है। मैं तो आज ही मेरे नेताओं को बोलता हूं कि विजय जुलूस का रूप पहले से ही ले लो, फिर बाद में उस समय मिले नहीं मिले रूट की परमिशन ले लो कि कहां से विजय जुलूस निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जीत सामने दिख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, उन्होंने एक चाल चली थी कि आप लोगों को गुमराह करके, आप लोगों के वोटों को बांट के वो अपना उल्लू फिर सीधा कर लेंगे, पर उनको पता नहीं कि ये एक सच्चा आदमी है, ये एक ऐसा आदमी है जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। अरे जब सोनिया गांधी, शिबू सोरेन और लालू यादव खड़े हो जाते हैं ना, तो मैं तो बड़ा बलशाली आदमी हूँ, ये जो बच्चा है ना ये भी इन दोनों को निपटाता हुआ जा सकता है, ये मेरे को पक्का पता है। साथियों, एक बार पुनः हाथ जोड़ के आपसे माफी, देर आने के लिए, देरी से आने के लिए, आपने इस बड़ी संख्या में मुझे सुना, मस्जिद के बाहर तक लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको एक बार दिल से नमस्कार आदाब, और मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बार खड़े होकर आशीर्वाद दे दें तो मेरे को आज रात को नींद बड़ी सुकून से आएगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा।